फ्रेंड्स, मैं नेहा, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरहर दाल, जो बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अरहर दाल। आइए देखते हैं कि अरहर दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ लोग अरहर दाल को तूर दाल भी कहते हैं। ये अरहर दाल एक कटोरी ली है मैंने। यहाँ दो मीडियम साइज़ प्याज चॉप कर लिए हैं और इसमें मैंने तीन हरी मिर्च भी चॉप की हैं। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप खाते हो तो आप डालिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। हरा धनिया गार्निश के लिए, दो मीडियम साइज़ टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक। अब इस तूर दाल या अरहर दाल को जो हमने लिया है, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी वॉश करके ये दाल रखी हुई है, आप देख सकते हो। अच्छे से मैंने इसको खुले पानी में वॉश कर लिया है और अब हम इसको भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बनाने से पहले कुछ टाइम के लिए भिगोना है, ये डायरेक्ट बनती है। अब हम गैस ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करने के बाद सबसे पहले हम इस तूर दाल जो हमने ली है, इसको हम बॉईल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस दाल को इस कुकर में डाल लेते हैं। अब बॉईल करते टाइम हमें इसमें थोड़ा नमक, क्योंकि हम थोड़ा मसाला भूनते वक्त भी डालेंगे इसलिए थोड़ा ही डाल रहे हैं, हाफ टी स्पून से कम हल्दी और हाफ टी स्पून से कम लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें दाल, एक कटोरी हमने इसमें दाल ली है, आप देख रहे हो मैं पानी ले रही हूँ, एक ग्लास, दो ग्लास और तीन ग्लास, यानी कि हमें एक कटोरी दाल के लिए तीन ग्लास पानी लेना है फुल। अब बस हम सिंपल इसको, इसकी लिड को बंद कर देंगे और हम इसे छोड़ देंगे फुल फ्लेम करके। फुल फ्लेम पे एक सीटी, और जब एक सीटी आ जाए तो हम अपनी फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम पे भी एक सीटी आने देंगे। तो अब हम इसको सीटी आने देते हैं और इसका वेट करते हैं। देख रहे हो हमारी सीटी आ चुकी है हाई फ्लेम पे। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी और फिर से एक सीटी आने का वेट करूंगी। मीडियम फ्लेम पे भी सीटी आ चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और वेट करेंगे कुकर से स्टीम निकलने का। अब हमारी दाल जो है वो बन चुकी है, कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं कि प्रॉपर दाल बॉयल हुई है कि नहीं हुई है। तो आप देख रहे हो जैसे कि हमारी दाल प्रॉपर बॉयल हो चुकी है, पूरी तरह मैश भी नहीं हुई है और अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए, कोई भी कच्चापन नहीं है। अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैं पहले गैस ऑन कर लेती हूँ। तड़के के लिए हम दो से तीन बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब आप देख रहे हो हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हमें सबसे पहले गर्म ऑयल में डेढ़ चम्मच जीरा डालना है और जब ये पूरी तरह क्रैकल हो जाए, इसको हम क्रैकल होने देंगे थोड़ा सा। जब ये थोड़ा क्रैकल होने लगे, इसमें दो लाल साबुत में, इन्हें हम बीच से तोड़ के इसी में डालेंगे। अब आप देख रहे हो जीरा पूरी तरह क्रैकल हो चुका है। अब हमने जो मीडियम दो मीडियम साइज के प्याज चॉप किए थे, अब इस पे हम वो डाल देंगे और इसे हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हो हमारे प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ये पूरी तरह पक चुके हैं। अब ये वो स्टेज आ गई है जिसमें हमें अपने चॉप किए हुए टमाटर डालने हैं, जो हमने दो मीडियम साइज़ लिए थे। अब मैं इसमें वो मिक्स कर रही हूँ।
इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं गैस को थोड़ा स्लो कर दे रही हूँ। ये जो दाल है ये एकदम ढाबे स्टाइल बनेगी क्योंकि इसमें हमने प्याज टमाटर सब कुछ डाला हुआ है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देते हैं। सॉल्ट यानी कि नमक टेस्ट अनुसार, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि हमने दाल में थोड़ा नमक उबलते वक्त भी डाला था, इसलिए याद रहे कि हमें नमक कम देना है। हल्दी आधी चम्मच से कम, क्योंकि हल्दी भी हमने बॉईल करते टाइम डाली है। लाल मिर्च आपका जो भी टेस्ट है, आप तीखा खाते हो, मीडियम खाते हो, जैसा भी खाते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने दाल उबलते वक्त भी हमने उसमें ये डाला था, इसलिए उस हिसाब से ही डालिए। अब हम ये सब कुछ मिक्स कर देंगे और इसको एक मिनट के लिए भूनने देंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा मसाला एक मिनट भुन चुका है और आप जैसे कि देख रहे हो मसाले के साइड्स में ऑयल आ चुका है, मसाला जो है अपना तेल छोड़ चुका है, इसका मतलब हमारा मसाला रेडी है। अब मैं इस मसाले को साइड कर दूंगी और इस गैस पे कुकर को रख दूंगी, क्योंकि हमें मसाले को इसमें मिक्स करना है। आप चाहो तो दाल कढ़ाई में भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है, लेकिन मैं अरहर की दाल का मसाला कुकर में डालती हूँ, इसलिए मैं उसमें डाल रही हूँ। अब हम इस मसाले को इसमें मिक्स कर देंगे और दाल को अच्छे से इस मसाले में हम हिला देंगे और अब इसको हम एक मिनट के लिए बॉईल होने देंगे ताकि ये मसाला दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसको एक मिनट छोड़ देते हैं। कुकर को आप कवर नहीं करोगे, खुले में ही उबलने दीजिए। हमारी दाल को उबलते हुए एक मिनट हो चुका है और आप देख रहे हो कि मसाला जो हमने भुना था वो इस दाल में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ये दाल हमारी पूरी तरह रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब मैं गैस फ्लेम बंद कर दूंगी और सर्व करने के लिए इस दाल को एक बाउल में निकालूंगी। आप दाल को अपने अकॉर्डिंग गाढ़ा या पतला रख सकते हो, जैसा आपको पसंद हो। मैंने दाल को मीडियम रखा है, जिसे आप रोटी से भी खा सकते हो और राइस से भी। ये हमारी दाल रेडी है और अब ऊपर से हम इसमें हरा धनिया डालेंगे गार्निश के लिए। धनिया हमेशा लास्ट में डालिए ताकि धनिया की जो महक है वो हमारे खाने में रहे। जो लेफ्ट मेरा धनिया बच गया है, इसको मैं सारी दाल में मिला मिक्स कर दूंगी और कुकर बंद करने के बाद ही धनिया डालिए ताकि उसकी महक हमारे खाने में रहे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दाल तड़का रेडी है। प्लीज़ आप इसको एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है, घर पे ट्राई करिए और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो के नीचे दिए लाइक बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।